हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ये काफी इंटरेस्टिंग है। एक्सेल के अंदर आपने वी लुकअप तो यूज ही किया होगा। वी लुकअप यानी वर्टिकल लुकअप और एच लुकअप होता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उससे भी एडवांस एक फंक्शन है जिसका नाम है एक्स लुकअप। आइए देखते हैं कैसे यूज करना है, ठीक है। तो हमारे पास एक छोटा सा डेटा है, देख सकते हैं। ये डेटा आपके पास बड़ा भी हो सकता है। अब जब भी आपको वी लुकअप की जरूरत पड़ती है तो क्या करते हैं, यहाँ पे इज इक्वल टू करके वी लुकअप लगाते हैं और वी लुकअप हमेशा साइड से लुकअप करके आपको देता है, ये साइड से, ठीक है। लेकिन एक्स लुकअप की क्या कहानी है, एक्स लुकअप के लिए हम यहाँ पर एक ड्रॉप डाउन बना लेते हैं। यहाँ से हम डेटा टाइप पे जाते हैं और डेटा टाइप पे जाके यहाँ पे डेटा वैलिडेशन मिलेगा, क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है एनी वैल्यू, एनी वैल्यू पे जाकर के इसे बना लीजिएगा लिस्ट, और लिस्ट बना करके ये जो नेम है ना इनको सेलेक्ट कर लीजिएगा आप। ये सेलेक्ट कर लिया, यहां से ओके कर देना है। यहां पर आप देखेंगे कि यहां पे नेम आने शुरू हो गए, ठीक है। अब यहां पर हमें नेम के बेस पर टोटल लेके आना है, ठीक है। आप देख सकते हैं नेम कौन सा कॉलम है, एक दो दूसरा कॉलम है। अगर ये वी लुकअप होता तो हमें पहले कॉलम से यानी रोल नंबर से स्टार्ट करना होता, लेकिन यहां पर लगाएंगे एक्स लुकअप। अब ये एक्स लुकअप लगा लिया और यहां पर हमें किसे सर्च करना है, यहां पर जो नेम लिखे हैं उसी को सर्च करना है, कॉमा लगाएंगे। ये नेम कहां मिलेगा, इसी में कहीं मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए फिर कॉमा लगा दीजिए। हमें क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है टोटल, तो टोटल कहां मिलेगा, तो इसी में कहीं मिल जाएगा। और ये करके आपको ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस कर देना है। तो यहां पर आप देखेंगे एक आपको एरर वैल्यू शो होगी NA यानी नॉट एप्लीकेबल। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहां पर हमने नाम अभी तक तो चूज ही नहीं किया, अभी चूज करने जा रहे हैं नाम, ठीक है। नाम चूज करने पे क्या होगा, आइए देखते हैं। यहां पर जाएंगे और यहां पर मान लीजिए हमने सोनू चूज कर लिया, तो सोनू का देखिए 307 है, तो सोनू का चेक करते हैं 307 है कि नहीं है। तो देखिए मार्क्स यहाँ पे 307 ही आए हुए हैं सोनू के, देखिए यहाँ पर 307 है कि नहीं है। मैं एक डिफरेंट कलर से हाईलाइट भी करता हूं इसे, ये देखिए ये 307 यहाँ पे आया हुआ है, ये देखिए यहां पर ये देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे नाम अगर चेंज कर देता हूं तो यहां से जैसे अमित कर देते हैं, तो अमित का 224 आया हुआ है, देखिए अमित का 224 आया हुआ है। अमित कहां पर है, आइए देखते हैं। अमित जो है यहां पर है और इनका क्या आया हुआ है आप देख सकते हैं, यहां पे क्या आया हुआ है, इनका 224 ही आया हुआ है, क्लियर। तो इस तरीके से ये एक्स लुकअप काम करेगा, जिसमें आपको हमेशा लेफ्ट साइड से लुकअप कराने की जरूरत नहीं पड़ती है और ये इजिली आपको फाइंड आउट करके दे देता है, ठीक है, समझ रहे बात को। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर टोटल दिया गया है, लेकिन टोटल हमें नहीं पता करना होता, कुछ और पता करना होता तो हम चेंज कर लेते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर अगर मान लीजिए सब्जेक्ट 5 का नंबर पता करना होता तो यहां सब्जेक्ट 5 लिख देते, और सब्जेक्ट 5 सिर्फ लिख देने मात्र से यहां पर ये ऐसे नहीं आता, तो फिर क्या करना पड़ता, तो यहां पर हमें चेंज करना है एक्स लुकअप। ये एक्स लुकअप आ गया, और एक्स लुकअप हम लुकअप किसको करेंगे, तो लुकअप करेंगे हम यहां से इसको, ठीक है, कॉमा लगा देंगे। नेम आएगा कहां, यहां पर आएगा, फिर आपको क्या करना है, एक कॉमा लगाना है, कॉमा लगा करके फिर अब किसी बात हो रही है सब्जेक्ट 5 की, तो ये सब्जेक्ट 5 वाला पूरा सेलेक्ट कर लीजिए और एंटर कर दीजिए। देखिए सब्जेक्ट 5 में अमित के कितने आए हुए हैं, तो ये है सब्जेक्ट 5, 65 आया हुआ है, ठीक है। अब जैसे यहां से नेम चेंज, उसके हिसाब से सब्जेक्ट के मार्क्स चेंज, तो यहां पर देखिए सुजीत कितना आया हुआ है, तो यहां पर देखिए ये है सुजीत, यहां पर देख सकते हैं ये देखिए कितना आया हुआ है, 80 आया हुआ है, देख रहे हैं। तो अब बिल्कुल आसान है, उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।